श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इतना प्यारा यानी कि कार्तिक का जो मास चल रहा है, कार्तिक माह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए लोग कृष्ण का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, कार्तिक मास में स्नान करते हैं। साथ ही साथ कार्तिक मास में बहुत सारे त्योहार फेस्टिवल्स भी आते हैं, जैसे कि करवा चौथ। करवा चौथ जो है वो कल सभी ने मनाया है। अब करवा चौथ की पूजा करने के बाद उस पूजा को कैसे आपको वहां से हटाना चाहिए, कैसे आपको उस चौकी को वहां से हटाना चाहिए, समेटना चाहिए, पूजा में जो कुछ आपने सामग्री यूज की है इसका क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं यही कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी छोटी सी जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं और इनका जो है आपको लाभ मिलने की जगह आपको उसका नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने शब्दों में ये आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या कुछ आपको करवा चौथ की पूजा का बाद करना चाहिए, यानी कि करवा चौथ की पूजा तो आप सब कर चुके, उसके अगले दिन आपको कैसे पूजा समेटनी चाहिए, क्या कुछ आपको उन चीजों का करना चाहिए जो आपने पूजन में यूज किया है, जैसे कि मिष्ठान है, फूल है या और भी सामग्री है। तो दोस्तों, करवा चौथ की पूजा जब हम करते हैं तो चांद की तरफ देखते हैं, छलनी में से चांद को देखा जाता है, करवे का उपयोग किया जाता है, मिष्ठान भोग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब करवा चौथ की आप पूजा करते हैं उसके अगले दिन जो आप वहाँ माता की चौकी जो जमाते हैं उसको अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको उसको हटाना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पूजा के थोड़ी देर बाद ही हटा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों, जब तक कि आपका कलश चल रहा होता है तब तक आपको वैसे भी किसी भी पूजा को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए, तो अगले दिन सूर्योदय के बाद आप इस पूजा को वहां से हटाएं तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर पाएंगे और अगले दिन ही आपको इसे सूर्योदय के बाद वहां से हटाना चाहिए। तो ये तो पहली बात हो गई कि कैसे आपको उस चौकी को वहां से कब हटाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं करवा की। मिट्टी के करवा बहुत सारे लोग यूज करते हैं या फिर मेटल का जो होता है, पीतल का करवा होता है। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होता है कि शादी के समय ही करवे को दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनको उसी करवे का बार बार उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो आपके पास में शादी में आपको मिला हुआ करवा है या किसी ने आपको गिफ्ट किया हुआ करवा है। फैशन में मत जाइए कि हर साल आपने एक नया करवा खरीदा, हर साल बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने किसी वृक्ष के नीचे रख दिया। आप देखिए, मंदिरों में भी वृक्ष के नीचे कुछ टाइम के बाद वो करवे पड़े हुए हैं तो उनका अपमान होता है। तो आप एक स्टील का, तांबे का करवा लीजिए, पीतल का करवा लीजिए और उसी एक करवे का उपयोग आपको बार बार करना चाहिए, जिससे कि आपकी पति की जो उम्र है वो लंबी हो। आपने देखा पूज्य गुरु जी भी बोलते हैं कि बार बार कुछ बदलिए मत। एक दीपक भी अगर आपके घर का है और जो बरसों से यूज हो रहा है तो उसकी अपनी महत्वता हो जाती है, इसलिए आपको एक ही करवे का उपयोग बार बार करना चाहिए। दोस्तों, चले बात कर लेते हैं अब चलनी की। चलनी जो है आपके घर में जो चलनी है, आप बिल्कुल फैशन पे मत जाइए कि बहुत डेकोरेटिव हर साल चलनी खरीदनी है आपको। जो एक चलनी आपने एक बार ले ली है उसी का यूज आपको हर साल करना चाहिए और जब तक कि वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वो टूटती नहीं है आपको उसी चलनी का प्रयोग बार बार करना चाहिए। दोस्तों, आपको चलनी बार बार नहीं बदलना चाहिए। इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको एड ऑन करना चाहूंगी कि कुछ लोग चलनी का दान भी कर देते हैं, है ना, तो चलनी का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपके घर में जो है वो अनाज की कमी होने लगती है। तो इस एक गलती को भूल कर भी ना करें। अब बात कर लेते हैं मिष्ठान की। जिस भी चीज का आपने माता को भोग लगाया, फिर चाहे वो मिठाई हो, चाहे आपके घर में बना हुआ भोजन हो, कोई भी चीज हो, भोजन प्रसाद हो, मिठाई हो, इनका आपको क्या करना चाहिए, इनका आप देखिए, जो भी मिष्ठान है आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं या फिर आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, आप उनको भी प्रसाद स्वरूप में से दे सकते हैं। वैसे तो कार्तिक का माह जो है वो दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो अगर आप इसे दान करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। अब बात कर लेते हैं जो श्रृंगार का सामान हमने माता को समर्पित किया है तो इसका क्या करना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि दान का महीना है, जितना आप दान पुण्य करेंगे इतना आपको लाभ प्राप्त होगा। आप चाहें तो इस श्रृंगार के सामान को
किसी भी ब्राह्मण महिला को दान कर सकते हैं, अन्यथा आपके घर में जो भी बुजुर्ग महिलाएं, जो भी आपसे बड़ी महिलाएं हैं, फिर चाहे वो आपकी जेठानी हो, आपकी सासू माँ हो, जो भी सुहागिन महिलाएं, आप उनको इसे दान कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग गौ माता का प्रसाद स्वरूप आपको मिलता है, तो आप इसका उपयोग स्वयं भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दीपक की। मैं आपको बात करने वाली हूँ दीपक, वो जो दीपक आप चलनी में रख करके देखते हैं चांद को। तो देखिए दोस्तों, या तो आप यहाँ पर आटे के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, आटे के दीपक का प्रयोग कीजिए, जो कि चलनी में रख करके आप चांद को देखते हैं और अपने पति को देखते हैं। तो इस दीपक का क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों आप आटे के दीपक का प्रयोग करते हैं तो आपको इसे ठंडे होने के बाद किसी पवित्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए। और अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं तो आप इस दीपक को साफ कर करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में यह भ्रांतियाँ हैं कि करवे को दोबारा यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एक ही करवा लीजिए, तांबे का, पीतल का, जो भी आप लेना चाहे, और आपको इसी करवे को बार बार प्रयोग में लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी सी जानकारी, जो उपाय मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, जो विचार अपने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप सबके लिए लाभदायक होंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।